नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत कविता विधवा, जिसकी आज के व्याख्यान में हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। विधवा कविता परिमल काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ और यह निराला का द्वितीय काव्य संग्रह है। विधवा कविता का स्वतंत्र रूप से प्रकाशन 1919 ईस्वी में हुआ और यह निराला की प्रगतिवादी चेतना पर आधारित एक सुप्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने सदियों से उपेक्षित, अभिशापित और प्रताड़ित विधवा नारी के जीवन का अत्यंत मार्मिक उल्लेख किया है। दोस्तों, विधवा हिंदू समाज में अपशगुन एवं दुर्भाग्य का प्रतीक मानी जाती है। हमारे समाज में विधवा के प्रति न कोई सहानुभूति दिखाता है और न उसके दुखों के प्रति कोई ध्यान ही देता है। हमारे समाज में विधवा के जीवन की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है और उसकी स्थिति टूटे हुए तरु के से गिरी हुई लता के समान होती है। उसकी करुण कहानी को सुनने वाला हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो कवि की तड़पती हुई आत्मा इसके लिए निर्दयी ईश्वर को ही जिम्मेदार मानती है, क्योंकि वे मानते हैं कि विधवा को दुख देने वाला वही ईश्वर है। हमारे समाज में विधवा की आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती है। वह अपने रूखे सूखे अधरों एवं त्रस्त चितवन को संसार की नज़रों से बचाकर अपने मौन स्वर में सदा रोती रहती है। उसका दुख अनंत है, जिसका कोई छोर नहीं है। कवि विधवा की दयनीय स्थिति के लिए ईश्वर को ही उत्तरदायी ठहराता है तथा भारत की दुर्दशा का कारण भी विधवा की उपेक्षा को ही बताता है। चलिए इसके प्रत्येक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से वह दीप शिखा से शांत। इष्ट देव का अर्थ है आराध्य देवता, मंदिर की मंदिर में पूजा सी पूजने योग्य, दीप शिखा दीपक की लो शांत शांत भाव में विचारों में लीन मतलब मगन। वह क्रूर काल क्रूर निर्दयी, काल का अर्थ है समय, तांडव का अर्थ है विनाश, स्मृति याद रेखा चिन्ह। वह टूटे तरु, तरु का अर्थ है वृक्ष, छूटी सी अलग हुई लता बेल सी के समान, दीन का अर्थ है दीनहीन या बेसहारा, दलित शोषित भारत की ही विधवा है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि सबसे पहले चलिए इसका प्रसंग करते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित विधवा नामक कविता से उद्गृत है। विधवा कविता परिमल काव्य संग्रह में से संकलित की गई है, जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ। इसकी रचयिता छायावाद के शलाका पुरुष एवं रुद्र कहे जाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में निराला ने भारतीय विधवा के उपेक्षित अभिशापित जीवन का अत्यंत मार्मिक उल्लेख किया है तथा भारतीय समाज के विधवा के प्रति दृष्टिकोण को भी उजागर किया है। इन पंक्तियों में कवि ने विधवा की दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया है। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी। यहाँ पर कवि भारतीय विधवा के दुखी जीवन का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय विधवा नारी आराध्य देव के मंदिर में पूजी जाने वाली मूर्ति के समान प्रतीत होती है। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, कि वो क्या है, दीप शिखा के समान अर्थात दीपक की लो के समान शांत एवं अपने विचारों में पूरी तरह से मग्न है, पूरी तरह से लीन है, यानी कि उसने अपने
जीवन को दीपक की लो की भांति जलाए रखा जलाया हुआ है और अपने पति की याद में वो उस समय के विचारों में ही लीन रहती है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी कि उसे वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी। यहाँ कवि कहते हैं कि उस विधवा नारी की स्थिति को देख करके ऐसा लगता है कि मानो वह निर्दयी काल के तांडव नृत्य की रेखा हो, यानी कि बेसहारा और इस प्रकार की अवस्था में जीवित विधवा नारी को देख करके उस समय की याद आ जाती है जिस समय ने उसके जीवन में विनाश कर दिया था। वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन दलित भारत की ही विधवा है कि वह टूटे तरु की कि जिस प्रकार वृक्ष के टूट जाने पर उस पर चढ़ी हुई बेल बेसहारा होकर गिर पड़ती है, उसी प्रकार पति की मृत्यु के पश्चात भारतीय विधवा भी कैसी हो जाती है, उस लता के समान बेसहारा हो जाती है, आश्रयहीन हो जाती है, उसका जीवन भी उस लता के समान बिखर जाता है। दलित भारत की ही विधवा है और कवि कहते हैं कि शोषित भारत की विधवा की ही ऐसी दयनीय स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, पूजा सी में उपमा अलंकार है, दीप शिखा सी शांत यहाँ पर भी क्या है, उपमा अलंकार है, स्मृति रेखा सी में भी उपमा अलंकार है, दलित भारत कह करके भारत की प्राधीनता की ओर संकेत किया गया है और इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद्यांश देखते हैं, षड ऋतुओं का श्रृंगार। षड ऋतुओं का अर्थ है छह ऋतुएं, श्रृंगार का अर्थ है सौंदर्य, कुसुमित कानन, कुसुमित का अर्थ है खिले हुए फूलों का जंगल, कुसुमित कानन खिले हुए फूलों का एक जंगल, नीरव, नीरव का अर्थ है मौन भाव से, पद का अर्थ है कदम, संचार का अर्थ है चलना या बढ़ाना, नीरव पद संचार का अर्थ हुआ धीमी गति से चलना, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, स्वच्छंद का अर्थ है स्वतंत्र रूप से, विहार का अर्थ है भ्रमण या घूमना, व्यथा दर्द भूली हुई कथा है, कथा का अर्थ है कहानी, उसका एक स्वपन अथवा है। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि छह विभिन्न ऋतुएं आकर कि षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, कि छह ऋतुएं आकर के अपने अपने सौंदर्य के माध्यम से मानो विधवा नारी की करुण दशा को दर्शाती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जब विधवा नारी के जीवन में उसके पति उसके साथ थे तो वह विधवा नारी छह ऋतुओं के अनुसार श्रृंगार किया करती थी, हर ऋतु के अनुसार सजती थी, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, और वह विभिन्न ऋतुओं के अनुसार श्रृंगार करके और फूलों से भरे हुए जंगल के अंदर मौन गति से या धीमी गति से मौन भाव से अपने पति के साथ भविष्य के ओर कदम बढ़ा रही थी, अपने पति के साथ भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रही थी। तो यहाँ पर क्या अर्थ है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने से सभी उपवन खिले हुए फूलों से भर जाते हैं, उसी प्रकार जब उस लड़की के जीवन में उनके उसके पति ने प्रवेश किया तो उसका जीवन भी उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्रसन्नताओं से भर गया और उसके साथ वह मौन भाव से अपने भविष्य के प्रति क्या हो गई थी, अपने भविष्य के प्रति उसने अनेक प्रकार के स्वप्न सजाए थे।
अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, या मानो ऐसा लग रहा था कि वह अपनी अमर कल्पना में स्वच्छंद भ्रमण कर रही हो, यानी कि अपने पति के साथ रहते हुए उसने विभिन्न अपने भविष्य की विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं कर ली थी, विभिन्न प्रकार के सपने देखे थे और उन सपनों में ही वो स्वच्छंद विहार कर रही थी, घूम रही थी। व्यथा की भूली हुई कथा है उसका एक स्वपन अथवा है, परंतु आज क्या है, विधवा का जीवन तो भूली हुई कथा के समान प्रतीत होता है, यानी कि आज वह उन सब बातों को, उन सब कहानियों को भूल जाना चाहती है, उसका एक स्वप्न अथवा है, या फिर ये कह सकते हैं कि वह एक स्वप्न था जो केवल एक स्वप्न बनकर ही रह गया। उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, मधु सुहाग, मधु सुहाग का अर्थ है मधुर, सुहाग दर्पण शीशा, जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित, बिंबित दिखाई देने वाला जीवन धन, जीवन रूपी धन। अबल का अर्थ है कमज़ोर, हाथों का एक सहारा, सहारा का अर्थ है आश्रय। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि उसके मधु सुहाग का दर्पण कि विभिन्न प्रकार की यादें, या उसने अपने पति के साथ रहने के, उसके साथ जीवन बिताने के जो विभिन्न सुनहरे सपने देखे थे वो केवल सपने बनकर ही रह गए। उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन। अब तो उसके पास केवल और केवल क्या है, एक सपना ही है। वह क्या है, वह है उसके मधुर सुहाग का दर्पण जिसमें उसने अपने जीवन धन अर्थात अपने पति की छाया केवल एक बार ही देखी थी, यानी कि कहने का भाव है कि विवाह के उपरांत उसके पति की शीघ्र ही मृत्यु हो गई थी। अबल हाथों का एक सहारा, और वह ही उस अबला जीवन के जीने का एकमात्र सहारा था और उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी वही था। लक्ष्य जीवन का, कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या था, उसके प्रेम को प्राप्त करना था। प्यारा वह ध्रुव तारा दूर हुआ, वह बहा रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा, कि अब वह जीवन का जो प्यारा था, जीवन से भी अधिक प्यारा जो उसका पति था, वह अब क्या हो गया है, वह ध्रुव तारे के समान दूर चला गया है, यानी कि उससे बहुत अधिक दूर चला गया है। और जिस पथ पर वह गया है उस अनंत पथ से ही विधवा के दुखी जीवन के लिए करुणा की धारा की वर्षा कर रहा है। कहने का क्या अर्थ है कि विधवा का शेष जीवन अब दुखों से भरा हुआ है, जिसमें किसी प्रकार की कोई उमंग शेष नहीं है और वह बेसहारा और उदास भाव से जीवन व्यतीत कर रही है। इसमें क्या है, इसमें विधवा नारी के प्रति कवि की करुणा सशक्त रूप में व्यक्त हुई है। आगे वो क्या कहते हैं, है करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें। करुणा रस, करुण या दया रूपी रस, पुलकित का अर्थ है रोमांचित। इसकी आंखें देखा तो भीगी मन मधुकर, मन मधुकर मन रूपी भंवरा, पंखे का अर्थ है पंख, मृदु कोमल रसावेश, रस का वेग में निकला जो गुंजार, गुंजार का अर्थ है आहट या ध्वनि। वह और कुछ न था
था बस हाहाकार, हाहाकार का अर्थ होता है क्रंदन रूप में रोना और चिल्लाना। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, यहाँ है करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें। कवि ने विधवा की अत्यंत करुणात्मक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा है कि विधवा की आंखें सदैव करुण रस से पुलकित रहती हैं, अर्थात उनमें हमेशा ही करुणा या दया का भाव भरा रहता है। देखा तो भीगी मन मधुकर की पांखें और उसके नेत्रों से उस करुण स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। और वो कहते हैं कि उसकी करुण स्थिति को देखकर मन रूपी भंवरे के पंख भी भीग जाते हैं, यानी कि उसे देखने वाले का मन भी पूरी तरह से द्रवित हो उठता है। वह मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, वह और न था कुछ था बस हाहाकार। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उसके कोमल रस के आवेश में जो ध्वनि निकली थी, जो गुंजार निकला था, वह और कुछ नहीं था बस हाहाकार या रोने और चिल्लाने से भरा हुआ एक क्रंदन मात्र था। यहाँ पर कवि ने विधवा के मौन क्रंदन के माध्यम से विधवा जीवन की पीड़ा की गहन अनुभूति का यथार्थ चित्रण किया है। मन मधुकर में रूपक अलंकार है और यहाँ पर मन मधुकर में अनुप्रास अलंकार भी है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इसमें मन मधु हाहाकार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है और इसमें करुण रस का सुंदर प्रयोग देखते ही बनता है। अगला पद्यांश देखिए, उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर। करुणा का अर्थ है दया, सरिता का अर्थ है नदी, मलिन का अर्थ है उदास या मैला, पुलिन का अर्थ है किनारा। लघु छोटी सी, टूटी हुई कुटी, कुटी का अर्थ है कुटिया। मौन बढ़ाकर अत्यंत चुपचाप भाव से, अति छिन्न, छिन्न का अर्थ है फटा पुराना। भीगा अंचल का अर्थ है आंचल। दुख रूखे सूखे, रूखे सूखे का अर्थ है बहुत ही क्षीण, कमजोर। अधर का अर्थ है होठ। त्रस्त, डरे हुए या सहमे हुए। चितवन का अर्थ है नज़र या दृष्टि। वह दुनिया की नज़रों से दूर बचाकर। तो वो क्या कहते हैं कवि, यहाँ पर कवि विधवा की दुखमय स्थिति एवं उसके एकाकी जीवन का वर्णन कर रहा है। वो क्या कहते हैं कि कभी उस करुणा की सरिता की मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर। यहाँ पर कवि ने विधवा नारी के जीवन की तुलना जो है वो नदी के किनारे पर टूटी फूटी हुई झोंपड़ी से की है। नदी के किनारे पर विराजमान कोई टूटी फूटी झोंपड़ी हो, उस झोंपड़ी से जिसमें कोई सौंदर्य नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, उस टूटी हुई झोंपड़ी से कवि ने विधवा के जीवन की तुलना की है। तो कवि क्या कहते हैं कि उसका जीवन करुणा की नदी के मलिन तट पर बनी हुई टूटी फूटी झोंपड़ी के समान है, कि उसके जीवन में किसी प्रकार की हंसी खुशी नहीं है। तो इस कारण से मौन बढ़ाकर, इसी कारण से वो क्या है, उस टूटे हुए जीवन रूपी झोंपड़ी में क्या है, हमेशा ही चुप्पी छाई रहती है। अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को, और वह क्या करती है, सदा अपने अत्यंत क्षीण
एवं आंसुओं से भीगे हुए आंचल में मन को मसोसे हुए रहती है, और दुख रूखे सूखे अधर और दुख और चिंता के कारण उसके होंठ जो है वो पूरी तरह से सूख गए हैं, यानी कि उनके होठों के ऊपर किसी प्रकार का सौंदर्य नहीं है। अधर त्रस्त चितवन और उसकी जो नजरें हैं वो दुनिया की नजरों से डरती हैं, इसी कारण से वह संसार की नजरों से अपने आप को बचा करके दूर रहती है। रोती है अस्फुट स्वर में और मन ही मन, अस्फुट का अर्थ है जिसे सुना नहीं जा सकता अंदर ही अंदर, कि वह अस्पष्ट रूप से अंदर ही अंदर क्या है अपने मन को मसोसे हुए और भीतर ही भीतर रोती रहती है, और उसके इस मौन रुदन को समाज में सुनने वाला कोई भी नहीं है। दुख सुनता है आकाश धीर और केवल आकाश ही धैर्यपूर्ण केवल आकाश ही धैर्यपूर्ण उसके करुण रुदन को सुनता है, या फिर निश्चल समीर या फिर बहती हुई पवन। सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर, कि नदी में उठने वाली लहरें भी मानो रुक रुक कर उसके रुदन को सुनती हुई प्रतीत होती है। कहने का भाव है कि विधवा की समाज में अत्यंत दयनीय दशा है, और समाज में उसकी सहायता तो क्या उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने वाला भी कोई नहीं है। तो यहाँ पर समाज का यथार्थ रूप प्रकट हुआ है, और क्या है कि भाषा का अत्यंत सुंदर एवं सार्थक प्रयोग किया है। कौन उसको धीरज दे सके, धीरज का अर्थ है हिम्मत धैर्य। दुख का भार कौन ले सके, भार का अर्थ है उसके दुख दुख का कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके। भार का अर्थ है बोझ उठाना। यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर, छोर का अर्थ है सीमा या ठिकाना। देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारतीय जीवन की दयनीय स्थिति इतनी अधिक है, और समाज में उसके प्रति सहानुभूति दर्शाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। समाज के प्रति वो प्रश्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके दुखों का बोझ उठा सके, यानी कि उसकी सहायता के लिए कोई आगे आ सके। वह दुख जिसका नहीं कुछ छोर है, कि विधवा के जीवन का दुख क्या है, अनंत है, जिसका कोई किनारा अर्थात कोई सीमा नहीं है। देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है, और यह ईश्वर का विधवा नारी के प्रति अत्यंत कठोर एवं घोर अत्याचार एवं अन्याय है। तो यहाँ पर कवि जो है विधवा नारी के उस जीवन के प्रति, इस प्रकार की स्थिति के प्रति ईश्वर और समाज दोनों को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। क्या कभी पहुँचे किसी के अश्रुजल, अश्रुजल का अर्थ है आंसू रूपी पानी, या किया करते सबको ही व्याकुल, व्याकुल का अर्थ है विकल का अर्थ है व्याकुल। ओस कण सा पल्लवों से झर गया, पल्लव पत्ते झर गया उतर गया, जो अश्रु, अश्रु का अर्थ है आंसू, भारत का उसी से सर गया, सर का अर्थ है मान और सम्मान। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर ईश्वर और समाज दोनों को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कवि कहते हैं कि विधवा होना किसी के बस की बात नहीं है, कि ये तो क्या है विधाता का नियम है। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, क्या कभी तूने किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछे हैं, अर्थात उसकी सहायता करके उसे दुख से निकालने का प्रयास किया है,
अथवा तुम सबको केवल व्याकुल ही किया करते हो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ओस कणसा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया, कि विधवा की आंखों से आंसू वैसे ही गिरते हैं जैसे वृक्ष के पत्तों से ओस की बूंदें। विधवा नारी के उन आंसुओं की प्रवाह न करने के कारण ही भारत का मान सम्मान नष्ट हो गया है, अर्थात विधवाओं की चिंता न करने के कारण ही भारत का पतन हो गया है। तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार का कवि ने सफल प्रयोग किया है और भाषा शैली सरल सहज एवं प्रवाहपूर्ण है। यहाँ पर कवि विधवा के इस दयनीय जीवन के प्रति समाज और ईश्वर दोनों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो हमारी कविता और उसकी व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।